हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अभी मंडोरिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। बिग ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट है आपके लिए। नीट यूजी 2022 जो 17th ऑफ जुलाई को होने वाली है, उसके लिए एनटीए आज एडमिट कार्ड जारी करेगा। कल देर रात तक आप सब लोगों ने इंतजार किया, मैंने एक पोस्ट भी अपडेट किया था मेरे यूट्यूब चैनल पर। एनटीए आज नीट के जो परमिशन लेटर है, जो एडमिट कार्ड है, वो अपलोड करने वाला है। स्टूडेंट्स, इस बीच खबर ये भी आ रही है कि भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको 19 पेजों का एक मेमोरेंडम जो है वो उन स्टूडेंट्स ने दिया है जो इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी अपनी मांगे हैं कि कैसे नीट एग्जाम को जो है वो 17 जुलाई को करवाया जा रहा है। इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले आया है और उनको प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए गैप नहीं मिला है। उनकी दो बेसिक डिमांड जो है वो ये है, इस बात को क्लियर किया जाए कि पिछली जो काउंसलिंग प्रोसेस थी, वो काउंसलिंग प्रोसेस अप्रैल में जाके खत्म हुई है और अभी जुलाई में एग्जाम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं, वो सीबीएसई के एग्जाम्स भी जो है स्टूडेंट्स अभी फिनिश हुए हैं। तो इस तरीके से ये दो बड़ी मांगे हैं। देखते हैं एनटीए इस पे क्या फैसला लेता है, लेकिन आज एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का कल रात को एक ट्वीट था, अपडेट था, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर एडमिट कार्ड आने के बाद कैंसिल होने की संभावना है, शीघ्र हो जाती है, अत्यंत कम हो जाती है। लेकिन इस बीच कल के एक लाइव के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा था, जिसमें नेट इश्यूज के कारण, इंटरनेट इंटरप्शन के कारण हम पूरी बात नहीं रख पाए थे, इसलिए आज ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या एनटीए नीट यूजी 2022 जो 17 जुलाई को हो रहा है, उसको सही तरीके से कंडक्ट करवा पाएगा? हम उस पर सवाल या निशान क्यों लगा रहे हैं, हम उसकी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाह रहे हैं, लेकिन एनटीए में जितने सारे एग्जाम्स हो रही है उनमें कई जगह अनियमितताएं देखी गई है। पिछले जो नीट के एग्जाम्स है उनमें भी कई सारी अबनॉर्मलिटीज थी, इस बात को लेकर थोड़ा सा संशय तो बढ़ ही जाता है। देखिए 487 शहरों में इस बार सेंटर है, इतने सारे सेंटर्स, करीब 500 की तादाद में सेंटर पूरे भारत में है, हर छोटे बड़े शहर में सेंटर है, और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां की जो सुविधाएं हैं, उनके हिसाब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस बार नीट को आयोजित करवाना एनटीए के लिए काफी चुनौती भरा काम होगा। जैसे पेपर आउट होने की खबरें हमेशा से आती रहती हैं, सेंटर्स पर अनेक गड़बड़ियां और अनेक जो है वो नकल के मामले और इस तरह की दिक्कतें होती रहती हैं। तो मैं आप सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पूरे साल की मेहनत खराब नहीं हो, इसलिए जिस सेंटर पर भी आपका एग्जाम हो, वहाँ इन्विजिलेटर या कोई एग्जामिनर या कोई रिलीवर, जो एग्जाम से जुड़े हुए लोग हैं, वो अगर आपके रूम में, आपके कमरे में, आपके एग्जाम हॉल में किसी प्रकार की अनडिजायरेबल एक्टिविटी, अवांछनीय गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, तो आप उनको टोके, उनको टोकना आपका अधिकार है। आपको अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप आवाज उठाएं, जिससे आप अपने सेंटर में कम से कम होने वाली दिक्कतों और गड़बड़ियों को रोक सकते हैं। इसी प्रकार अगर सारे बच्चे ऐसे करें तो डेफिनेटली सेंटर्स पर होने वाली प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होगी। हाँ, ये पॉसिबल है कि उसके बाहर अगर कहीं कुछ होता है तो उसका हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रशासन भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब प्रशासन पर, सरकारों पर ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि नीट का एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करवाने जा रहा है वो कितना सही तरीके से संपन्न हो पाएगा। तो ये सवाल तो जरूर बनता है, खैर इसका जवाब 17 जुलाई के बाद ही आ पाएगा। क्या एनटीए नीट का एग्जाम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करवा पाएगा? इस बीच में आपको एक और बात बता दूं, नीट यूजी 2022 का 17 जुलाई का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको पता है इस बार टाइम बढ़ा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अपने टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए आप अच्छा करें। पेपर का पैटर्न जहां तक हमने पहले बात की थी, जैसा एग्जामिनर का माइंडसेट होता है हमेशा की तरह उसी हिसाब से पेपर आने वाला है, कोई बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं लगता इसमें होगा। तो आप ध्यान रखें, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का पेपर आपको मिलने वाला है। आप अपने टाइम को सही यूटिलाइज करते हुए जाएं और अच्छा करके आए। नीट यूजी 2022 जो 17 जुलाई को आयोजित हो रही है, उसके लिए आप सबको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। अपने सेंटर पर अवेयर रहें, आपको जागरूक रहना है। आपकी जागरूकता आपके पूरे साल की मेहनत को अंजाम तक पहुंचा सकती है, आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है, आपके सपनों को मंजिल दे सकती है। इसलिए आपको अवेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एडमिट कार्ड आज आपके डाउनलोड कर दिए जाएंगे। इससे आगे अगर कोई खबर आएगी, किसी तरीके का कोई अपडेट आएगा, तो मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ, लेट्स द वर्ल्ड माइंड यू। थैंक यू।